एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं और लोग जो हैं काफ़ी परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोगों का सर्वाइव करना जो है इस समय इस बढ़ती महंगाई में जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हर चीज़ का प्रभाव उनकी जीवन शैली पर पड़ रहा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं हमारी आम जनता इस बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहना चाहती है। सर, ये महंगाई बढ़ रही है सर, इससे तो मतलब कि जो आम बंदे हैं उनका तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जॉब वाले भी मतलब कि दुखी हैं, तो उसके साथ तो देखो ना, पेट्रोल बढ़ चुका है, ठीक है, और मतलब कि सब्जियां हर एक चीज़ बढ़ चुकी है। तो ट्यूशन वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी फ़ीस देखो, प्राइवेट में देखो, और जैसे कि हम फॉर्म वगैरह लगाते हैं जॉब के लिए, तो मतलब कि सब कुछ मतलब कि रिजेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि कुछ मतलब कि अच्छा सोचे हमारे लिए, तो हमारे को फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा सोचें और महंगाई को थोड़ा कम किया है। सब्जियाँ सूजियाँ सब कुछ महंगाई चल रही है यहाँ पे, और मतलब कि रोड राड भी देखो कि ऐसे ही मतलब ख़राब है कि जहाँ से हम आते हैं अखनूर से आते हैं, रोड मतलब कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कब से मतलब 4 साल हो चुके हैं अभी काम लगा हुआ, यहाँ पे सिर्फ मतलब कि ट्रैफिक है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। बढ़ती महंगाई को किस तरह से काबू किया जा सकता है? सर, काबू करने के लिए सर मतलब कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है, गवर्नमेंट ही मतलब कि इसको काबू कर सकती है कि देखा जाए कि क्या करना है इसके लिए, मतलब कि कुछ बनाना चाहिए उनको, कमेटी बनानी चाहिए, कोई पॉलिसी रखनी चाहिए कि क्या किया जाए। क्योंकि पहले टाइम में तो देखो ना, सिलेंडर भी कितने मतलब कि कितना कम रेट था, अभी तो देखो कि 1000 पार जा रहा है, 1100 तक जा रहा है। तो देख लो कि मतलब कि ऐसी कि जो बंदा कि जॉब में भी है ना, उसके लिए मुश्किल है सर। बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए सच्चा सर। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो जो आम आदमी कमाने वाला 400-500 रुपया कमाता है, 15,000 रुपया महीना कमा रहा है सर, तो वो 15,000 में सर क्या करेगा? वो तेल लेगा सरसों का खाने के लिए, राशन किस तरह लेगा? इतना तेल महंगा है, 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है, तो राशन महंगा है, सिलेंडर महंगा है सर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है वो कैसे होगी, फीसें कितनी महंगी हैं। तो 15-20 गवर्नमेंट को देखना चाहिए सर, 15-20 हज़ार जो कमाएगा वो कैसे सर्कल चलाएगा, उस हिसाब से उन्होंने बजट बनाना चाहिए। जो हर चीज़ महंगी हो गई है, फिर मान लिया गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है जी, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन सर हमें नहीं चाहिए। हम कच्ची सड़क हमारे लिए अच्छी है, हम धक्के खाते खाते चले जाएंगे, लेकिन सर हमें खाने के लिए तेल चाहिए सर, राशन चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए, और सबसे बड़ी बात सर हमारे बच्चे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें वो हमें पैसा चाहिए। जो हम 15,000 कमाते हैं तो 5,000 में बच्चों की फ़ीस के लिए चाहिए होगा, तो बचा बाकी 10,000 में कैसे किचन चलाएंगे सर? ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, ठीक है आप डेवलपमेंट थोड़ा कम करो, लेकिन जो राशन है राशन को थोड़ा कम डाउन करो, पेट्रोल को कम करो, तो गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल ये कम करो सर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, बिजली अब मीटर लग गए हैं सर, हैं उधर 2,000-3,000 वो आ जाता है सर खर्चा, तो कैसे सरकार चलेगा सर? मैं यही प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो बजट बनाए महंगाई का सर, वो देखे कि जो 15-20 हज़ार रुपया कमाता है वो किस हिसाब, वो उसका महीना कैसे चलेगा, उस हिसाब से वो बजट बनाए सर। निस्संदेह इंसान की व्यक्ति की जो है आमदन नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चों की बात करें तो खर्चे जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की दरें जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रशासन से यही अपील है कि आम जनता पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, ताकि आम जनता जो है अपना जीवन व्यतीत कर सके, आम जनता सर्वाइव कर सके। हाँ सर, महंगाई जो बढ़ रही है, आप देखो किराया कितना बढ़ रहा है, और भी महंगाई बढ़ रही है, फरूर वगैरह जो गरीब आदमी है सर, दिहाड़ी लगाने वाला, उसके लिए तो बढ़ रही है, मुश्किल बढ़ रही है, दिन बेदिन रोज़ महंगाई तो हो रही है सर। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? सर, गवर्नमेंट से ये कहना है, गरीब लोगों की तरफ दिया जाए ध्यान, कहीं किराया होता है जैसे, जहाँ और कहीं काफ़ी सारी सहूलत जो होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, गरीब लोगों को बराबर अमीर के बराबर किया जाए सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं समय? महंगाई सर सबसे बड़ा तो किराया महंगा हो रहा पहले नंबर, दूसरे नंबर और कुछ तेल वगैरह देख लो आप, सब चीज़ महंगाई है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, दूसरा तीसरा सब महंगा, राशन वगैरह वो भी महंगाई हो रही है सर।
हमारे जीवन शैली में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। सर देखो, जब हम घर का काम है वो मतलब गैस महंगी है, राशन हर एक महंगा, तेल दालें आटा हर चीज़ महंगी है। हम बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि टैक्स हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। इसकी वजह से हम अपना मतलब कारोबार नहीं अच्छी तरह कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो यही है कि हमें जो थोड़ा सा मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए हमें इसमें टैक्स में और महंगाई में कटौती, महंगाई में थोड़ी सी हमें कटौती होनी चाहिए क्योंकि जो हम बच्चों को अच्छी तरह से पालन कर सके। जिस तरह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं चीज़ों के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कैरेज बढ़ रही है, उस कारण महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही में देखें तो अभी तेल के दाम बहुत बढ़े हैं, सबसे बड़ी बात है सिलेंडर के दाम, जिस पे सब्सिडी मिलती है सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हो गई, उस वजह से भी रसोई पर बहुत भार आया है और लोगों जो गृहणियाँ हैं घरों की उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आज की डेट में आप आटा चावल लेने जाएंगे, कुछ भी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा है और हर चीज़ को पकाने के लिए आपको तेल और घी चाहिए, जिसके जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अब ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज गाड़ियों के मेट्रोज के रेट बढ़ चुके हैं, पेट्रोल अगर स्कूटी चलाते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, तो ओवरऑल जो महंगाई है एक घरेलू तबके की बात की जाए तो उन पर बहुत ज़्यादा असर है इसका। मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, यहाँ तक कि जो पहले मुहावरा हुआ करता था कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, अब तो वो मुहावरा भी बेईमानी लगता है। अब तो कमाई आपकी अठन्नी रह गई है और खर्चा 10 रुपये पर पहुँच चुका है। आप किसी भी घरेलू वस्तु को हाथ लगाओ, तेल, सब्जियां, फल फ्रूट, गैस, हर चीज़ पर महंगाई का इस समय हंटर चल रहा है। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से मंदी छाई हुई है। इस समय अगर ज़रूरत है तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि जनता को सीधे तौर पर नगद सहायता दी जाए। ये 5 किलो अनाज देने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें नगद सहायता चाहिए, महंगाई पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के बाद से आज तक हम अपनी अर्थव्यवस्था हमारी उभर नहीं पाई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आर्थिक मंदी छाई हुई है और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है इस समय। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से काबू किया जा सकता है इस बढ़ती हुई महंगाई को। देखिए, महंगाई को काबू करने के तरीके बहुत है, जैसा कि इन्होंने बोला कि नगद सहायता दी जाए, लेकिन आप सोचिए 5 किलो अनाज, 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, अगर आप शहरी व्यक्ति की एक डाइट को देखेंगे, 3 समय खाना खाता है वो, 250 ग्राम उसकी एक समय की डाइट है, यानी कम से कम अगर वो पानी को अलग निकाल दिया जाए 600 ग्राम डेली खाता है, आप कितने दिन वो 5 किलो अनाज चलाएगा। उसको बनाने के लिए गैस चाहिए, उसको बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, उसको मसाले चाहिए, तेल चाहिए सब। जबकि जम्मू जैसी बी ग्रेड सिटी की बात करें तो इधर औसत कमाई 7 से 8 हज़ार रुपये है। आप सोचिए 300 रुपये किलो आज की तारीख में पनीर हो चुका है, 70-60-70 रुपये दही है, 60 रुपये किलो से नीचे अच्छा दूध नहीं है। जबकि कोरोना काल में सरकार बार बार कहती है पौष्टिक आहार, 80 रुपये किलो से नीचे सब्जी नहीं है, क्या खाएगा इंसान, आज उसकी थाली बिल्कुल खाली है। और सबसे बड़ा एक सवाल है इस जम्मू कश्मीर में कि जो कीमतें हैं, जो सामान की कीमतें, जो दैनिक वस्तु की ज़रूरत की वस्तुएँ हैं उनकी कीमतें हैं, वो बेलगाम बढ़ रही हैं। सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालती, 290 रुपये पनीर का रेट है मार्केट में, 300 से 320 बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सोए पड़े हैं। यहाँ तक यहाँ के मॉल्स की बात करूँ, जितना भी नॉर्थ इंडिया का एक्सपायरी है, मैं इसको सैंपल भरवा चुका हूँ, विशाल मेगा मार्ट के 25 सैंपल जो फेल हुए, जो उनकी अपडेटेड सैंपल थे, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया का जो एक्सपायरी डैम्प है या नियर टू एक्सपायरी है, सब जम्मू में बेचा जा रहा है। जागरूकता के अभाव में, इन विभागों की आक्रमणता के हिसाब से सब कुछ यहाँ तबाह है। टैक्सेस की पर्टिकुलर बात करें तो टैक्सेस जो हैं वो भी दिन प्रतिदिन इम्पोज किए जा रहे हैं, नए नए टैक्सेस लाए जा रहे हैं, आम जनता पर एक और आर्थिक बोझ डाल रही है ये सरकार। देखिए, टैक्सेस का जहाँ तक बताएं, जैसा कि कांग्रेस भी कहती है गब्बर सिंह टैक्स, ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स है। आप एक टैक्स लगाते हैं उस पर 18% GST दूसरा टैक्स लगा देते हैं, कोई एक स्लैब नहीं है। जबकि जो आदमी, आम आदमी से ज़रूरत की जो वस्तु हैं उनको एक स्लैब में 5% तक रखा जाना चाहिए, क्योंकि आज लोगों के पास इतनी कमाई नहीं है, बेरोजगारी। आप मजाक समझेंगे इस बात को शायद कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के मुकाबले 17% अधिक महंगाई हम झेलते हैं, जबकि ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के अलग इधर देखा जाए तो 30% से ज़्यादा महंगाई देश के मुकाबले हम झेलते हैं। ऊपर से बिजली के बिल जो हैं
ये दिल्ली जैसे शहर के मुकाबले से भी ज़्यादा, और ऊपर से आप हर चीज़ का पानी का हर साल रेट बढ़ेगा, यानी कि आज अगर 2,500 रुपये जो दे रहा है अगले साल 3,000 देगा, जबकि पानी आपूर्ति का हाल ही है कि आपको साफ पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, साफ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। आदमी पैसा खर्च करेगा, पंजाब जाएगा, निजी अस्पताल में इलाज कराएगा, यानी कि अपना बर्तन घर के बेचेगा तो इलाज करा पाएगा, तो ऐसे हालात में आदमी जाए कहाँ। आज जम्मू कश्मीर के हालात मैं कहता हूँ, देश में चाहे जितना मर्जी ढिंडोरा पीट ले सरकार, मगर जम्मू कश्मीर के हालात बताते हैं कि आज सब कुछ तबाह हो चुका है। आम जनता के लिए जो है जीना मुश्किल हो रहा है, आम जनता के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से बिजली की बात करें, पानी की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, हर पदार्थ की मैं बात करूं, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। ये हमारी डोमेस्टिक थिंग्स हैं, इनको हम रोज़ाना अपनी जीवन शैली में स्थान देते हैं, इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें महंगी होने से जो है आम जनता पिस रही है। आम जनता सरकार से बार बार गुहार लगा रही है कि उन्हें जस्टिस दिलाया जाए, उन्हें इस बढ़ती हुई महंगाई से जो विकराल रूप ले रही है उससे राहत पहुंचाई जाए। हम सरकार से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को जो है कंट्रोल करें, ताकि आम जनता जो है वो राहत की सांस ले सके। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।